नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों जैसे कि ये कालर है, बहुत से लोगों को ये यहाँ पर ठोंके जो हैं जब चढ़ाते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर फिनिशिंग नहीं आती है। तो आज हम आपको बिल्कुल नया तरीका बताएंगे जिससे जो है आपके ठोंके बिल्कुल ही फिक्स आएंगे और प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको कालर वगैरह बना लेना है जैसा कि आप बनाते हैं, और इस तरीके से आपको स्टोन में नीचे सिलाई लगा लेना जैसे कि सिंपल सा लगती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस तरीके से आपको कपड़ा जो लेना है नीचे का अस्तर, उस पर इस तरीके से स्टोन को रखना है और अपना कट कर देना है यहाँ पर। इस तरीके से ओके, तो इनको बराबर बिल्कुल रख लेना है। बराबर रखने के बाद इनको इस तरीके से छांट के नीचे जो पैर का मार्जिन है उसको काट लेना है। और ये लग गया बीच का कुटका। अब सिंपल सा हम कलर को चढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए इतना हमको इधर छोड़ देना है तलपट के लिए, बाकी हम इसको चढ़ाते हैं। तो जैसे चढ़ाते हैं ऐसे ही आपको इधर साइड के भी स्टोन को चढ़ा लेना है। तो ये छोटा बड़ा ना हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको बी सेंटर पे रखेंगे, ये जो कुटका लगा यहाँ पर इस तरीके से ओके। और इतनी इतनी जो है सिलाई हम इधर साइड की छोड़ देंगे इतनी। उसके बाद हम इसको जड़ेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई, नीचे का पल्ला टाइट रखना है, खींचना नहीं है। तो ये हमारा इतना काम हो गया। तो इस तरीके से कुछ आया है। अब हम इसको चढ़ाते हैं। तो सिंपल सा बी सेंटर का खुटका लगा लेंगे, तो इसको कलर को नाप लेंगे। तो ये ठीक है, थोड़ा छोटा है, हम इसको सेट करेंगे बैक साइड यहाँ पर अच्छे से। अब हम कलर को चढ़ाते हैं, देखो इतना दबाव रहेगा यहाँ पर इस तरीके से। बैग का कुटका मिला लेना है। तो ऐसे ही इसको भी चढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, तो सिंपल सा इसको इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए। तो देखिए इस तरीके से हमको रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है ये।
अब हम इसको पलट लेते हैं। अब जो है हम दूसरे साइड की भी ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए तो अब हम इनको बनाते हैं। देखिए ठोंके वगैरह बिल्कुल भी हमारे अब नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पर ठोंके के निशान लगा लेते हैं ताकि ये जो है कम ज़्यादा ना हो कंदी। इससे कॉलर के ठोंकों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से अगर बनाएंगे तो। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ठोंके आए हैं। तो इस अगर आपके प्रॉब्लम आती है तो इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बिल्कुल ही आपके ठोंके जो आए हैं वो कभी भी गड़बड़ नहीं होंगे। और उल्टी तरफ देखिए हमारी बैन पट्टी भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।